अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कैंपस डॉट पी के। मैं मेरा बेटा मोहम्मद अहमद नज़ीर आप लोगों का फिज़िक्स टीचर, इससे पहले भी आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाता था, अब भी फिज़िक्स ही पढ़ाऊँगा। और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा फिज़िकल क्वान्टिटीज़ एंड मेयरमेंट्स का है। तो सबसे पहले कुछ बातें डिस्कस हो जाएंगी कि हम कैसे इस सिलेबस को लेके चलेंगे, क्या चीज़ें होंगी मेरा बेटा, पेपर पैटर्न क्या होता है। जी वालेकुम सलाम, बहुत से लोग पुराने ही हैं और जैसे कि पता है कि आपको ये हफ़्ता फिर आपका एक ट्रायल क्लासेस का होगा और उसके बाद सिर्फ पेड स्टूडेंट ही वो होंगे जो कि क्लास में होंगे। और ये हफ़्ते का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि जितनी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ रिलैक्सेशन पैदा की जा सकती थी वो कर दी गई हैं। और उसके बाद मेरा बेटा भाई का सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, जी वेलकम मेरा बेटा, जो लोग भी न्यू हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मेरा बेटा आप सबका वेलकम कि आप लोग ने हमें ज्वाइन किया। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। जी मेरे बेटे, तो आज सबसे पहले हम फिज़िक्स को डिफाइन करेंगे, पेपर पैटर्न की बात करेंगे। मेरे बेटा बड़े अच्छे से आप लोगों को पता है कि अगर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलें तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास मेरा बेटा सिक्सटीन नंबर का ये पेपर होता है। उनकी डिवीजन कैसी होती है मेरा बेटा, सबसे पहले 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, थर्टी मार्क्स का आप लोगों के मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा मेरी जान आप लोगों के पास 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगेन मैं वही चीज़ मेरा बेटा रिपीट कर दूं कि इस वीक में आई थिंक फर्स्ट 4 डेज आप लोगों के मेरे बेटे ट्रायल क्लासेस हैं, ताकि बाकी लोग जो अभी न्यू थे उनको पता चल जाए, अगेन से मौका मिल जाए, फिर उसके बाद मेरा बेटा सिर्फ ओनली पेड स्टूडेंट जो होंगे वो क्लास में होंगे। सर वॉइस कांट हेयर यू, यस योर वॉइस इज क्लियर सर, नो इशू सर, ऑल क्लियर। ठीक है, ये कुछ लोगों का शायद इशू होगा, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं मेरा बेटा ये जो सिम्टम्स कुछ लोगों में पाए जाते हैं फजूल किस्म के तंग करने के, तो मेरा बेटा काइंडली कोशिश करें कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी से निकाल दें, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा मसला कर सकते हैं। सो वी कैन लिसन सर, एवरीथिंग इज ओके क्लियर, थैंक यू सो मच मेरा बेटा, प्लीज़ गेट असाइड। भाई जान 60 नंबर का पेपर होगा मेरी जान, 12 नंबर के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 15 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें हर शॉर्ट क्वेश्चन के दो नंबर होंगे, तो 15 को 2 से ज़रा को तो मेरा बेटा 30 बनता है, 15 × 2 = 30 आएगा। इसी तरह मेरा बेटा 12 मार्क्स के आप लोगों के पास मेरे बच्चे MCQs हैं, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिनमें से 2 करने होंगे, हर एक के 9 नंबर होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 5 + 4 = 5 + 4, तो मेरा बेटा 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जी मुसलमानों, ये भाईजान फिजिक्स के हमारे पास 9th क्लास में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें से चैप्टर 1, 5 और 9 में से चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 में से किसी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है मेरा बेटा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेयरिंग स्कीम को साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर का पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए, जी मेरा बेटा। तो आप लोगों ने भी साथ साथ मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाते जाना है, क्या नाम है एक्चुअल नाम, ये बाबा के शहजादे ममा की परी है जो भी है, ये नाम नहीं, एक्चुअल नाम और सिटी बताएं कि मेरा बेटा कहाँ से।
सर म्यूजिक ऑफ करें, मैं ही मेरा बेटा कौन सा यहाँ पे भंगड़ा डाल रहा हूँ, कौन सा म्यूजिक आपके सामने आ रहा है? आप लोगों तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है मेरा बेटा तो मुझे बता दें प्लीज सर। कल टेस्ट है की गल्ला कर दे पहने, कौन सा म्यूजिक आ रहा है मेरी जान आपके पास, कौन सा गाना लगा हुआ मैनू ही दसो। बैकग्राउंड म्यूजिक केड़ी, बैकग्राउंड म्यूजिक है हूँ दसो मेरा पुत्र। देर इज सम म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, गुड म्यूजिक। आनिया हादिया फ्रॉम लाहौर, अब्दुल रसूल लाहौर, क्लियर क्लियर नो क्लियर ठीक है क्लियर। जैनम फ्रॉम भावलपुर, सर पेपर स्कीम से पेपर आएगा मेरा बेटा ऐसे ही होता है, एवरीथिंग इज क्लियर। फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस मेरा पुत्र, मैंने पूछी नहीं फिजिक्स की ब्रांच का नाम, अभी तो फिजिक्स के बारे में बात ही नहीं हुई। अगेन मेरा बेटा मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, रिजा फ्रॉम लाहौर, चलो माशाल्लाह लाहौर वाले हमारे काफ़ी लोग हैं। वजीहा फ्रॉम कुवैत, अली फ्रॉम लाहौर, वर्दा अमजद फ्रॉम दुबई, कराची, इस्लामाबाद, खानपुर, फैसलाबाद, जोहराबाद, जोहराबाद ये हडाली के करीब करीब जो आता है वही वाला है सरगोधा वाला जोहराबाद ना, फ्रॉम लाहौर, कैफ, अच्छा जी अपना कैफ एल जी जी एस, जवेरिया फ्रॉम इस्लामाबाद, उस्मान फ्रॉम लाहौर, आतिया फ्रॉम फैसलाबाद, इराज फ्रॉम लाहौर, मोहम्मद हमदान शहीर लाहौर, अरीबा फ्रॉम फैसलाबाद, यास्मीन फ्रॉम ओकाडा, आर्यन फ्रॉम इस्लामाबाद, साइमा फ्रॉम दुबई, गनिया फ्रॉम लाहौर, मोहल इट्स अब्दुल्ला रसूल फ्रॉम लाहौर, माज फ्रॉम इस्लामाबाद, सफूरा फ्रॉम सियालकोट, जेम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट एडा तो जैम, नूर फातिमा फ्रॉम ओकाडा, अरीबा फ्रॉम फैसलाबाद, आनिया वेनेसडे को क्या इवेंट है, चलो जी ये केड़ा शहर है भाई, ताहिर फ्रॉम लाहौर, अरियान फ्रॉम इस्लामाबाद, सेड देयर इज अ सॉन्ग इन द बैकग्राउंड, अब मेरा पुत्र कोई साउंड नहीं है, अपनी बैकग्राउंड जरा चेक करें मेरा पुत्र। मोइज़ा फ्रॉम लाहौर, सलमान फ्रॉम पिंडी, यस इट्स योर इट्स नियर सरगोधा, ठीक है मेरा बेटा। हाफिजा मुबशरा सरफराज फ्रॉम फुकाबाद, साहिर फ्रॉम लाहौर, जी मेरा बेटा ये पेड क्लासेस हैं लेकिन चार दिन का ट्रायल है जिसमें बाकी सारे लोग भी आ सकते हैं। दानियाल अमीन फ्रॉम गुजरावाला, शाहिर फ्रॉम लाहौर, सलमान फ्रॉम पिंडी, अजाल कोसर फ्रॉम मर्दान, बरेरा अली चुगताई फ्रॉम भक्कर, हाफिज मोहम्मद अफान फ्रॉम लाहौर, उस्मान फ्रॉम कराची, अब्दुल्ला फ्रॉम के एस ए, आई एम नो फ्रॉम मस्कत ओफान, महनूर फ्रॉम दुबई, वलीद फ्रॉम हमराल, हनीफा यासिन फ्रॉम सियालकोट, हादिया फ्रॉम लाहौर, अलीबा फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम यू एस ए, यू आर वेरी फनी सर, वेरी वेरी चांजे फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, ठीक है मेरा बेटा। जी बेटा आबिदा फ्रॉम सर पेपर स्कीम, सलाम टू आल, वालेकुम सलाम, फरा फ्रॉम केपे की, फातिमा टू जहरा फ्रॉम कोट, राधा किशन कसूर, अच्छा जी हाउ वो पे फी मेरा बेटा 03008885650 नंबर आपके पास मेरा बेटा गिवन है, आपको सामने नज़र आ रहे हैं। फॉर फी डिटेल्स कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, आपको सारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि आपने फी कैसे पे करनी है। मेरा बेटा जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं उन सब का पैटर्न सेम होता है। इराज बेटा आपके सामने फी डिस्कशन का या फी किस नंबर से कैसे सबमिट करवानी है वो आपके सामने फी डिटेल के लिए आ रहा है। और campus.pk जो वेबसाइट है मेरा बेटा एक्चुअली यहाँ पे
जो एक्चुअल काम होता है वो होता है मेरा बेटा लाइव क्लासेस का, जैसे कि आप लोग अभी मुझसे बात कर रहे हो, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, इसी तरह मेरा बेटा ड्यूरिंग द क्लास जब आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उन्हीं का इस तरह से ही जवाब दिया करूँगा। तो ये फ़ायदा है या ये फिर ये डिफरेंस है हमारे पास मेरा बेटा रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का। उसके बाद मेरे बेटे हम आपका जैसे कि एकेडमिक कैलेंडर अपलोडेड आप लोगों को मिल गया होगा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने फातिमा बेटा वालेकुम सलाम, आपके सामने सारी एक्टिविटीज़ भी डिफाइंड हैं, डेज भी डिफाइंड हैं कि कब सिलेबस स्टार्ट हुआ और कब एंड होगा, और इसी के साथ साथ आप लोगों का फीडबैक भी लिया जाता है। मेरा बेटा फ़ी के लिए यही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मेरे बेटे फ़ी की ये कि आपकी 5000 फीस, 5000 पूरे सेशन की फ़ी है, पूरे सेशन की फ़ी आपकी 5000 रुपए है। लेकिन अभी आपके लिए जो आसानी की गई है कि आप इसे इंस्टॉलमेंट में, मतलब के 1000 पर मंथ भी पे कर सकते हैं। सर ये पैटर्न दोबारा रिपीट करें। अच्छा नहीं मेरा बेटा, पेपर स्कीम चेंज नहीं होगी। मोहम्मद बेटा एक ही कमेंट बार बार करने से आप ब्लॉक भी हो सकते हैं, आपने जो भी कमेंट करना होता है मेरा बेटा वो एक ही दफ़ा करेंगे, अगर आप एक से ज़्यादा दफ़ा कोई कमेंट करते हैं तो मेरा बेटा आप ब्लॉक हो जाएंगे। मेरा बेटा अरीबा और शहीद, शायद आप लोगों के किसी ना किसी कुछ कोई जेन्युइन इशू है आपकी हैंड फ्री में या आपके सिस्टम में या नीयत में, उसको ज़रा बेटा देख लें, अदरवाइज़ बाकी सब तक जो आवाज़ है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। तो मेरे बेटे 60 नंबर का पेपर जिसमें से 12 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, टोटल आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे 16 नंबर का पेपर आता है। टोटल आपके पास जो पेपर बनता है वो 60 नंबर का, फ्री ट्रायल 4 दिन तक चलेगा, देना पड़ेगी क्या मतलब, अगर आप 5000 इसी महीने में दे देती हैं मेरा बेटा फिर बाद में ना देना, ये तो लोगों की आसानी के लिए किया गया कि 1000 की इंस्टॉलमेंट कर दी गई है। सर कैंपस फ्री में था मेरा बेटा, जहरी सी बात, इन्होंने भी पैसे की जरूरत है, पहले उन्होंने लोगों ने फ्री पढ़ा के प्रमोशन की है, बताया कैसे पढ़ाया जाता, तो जहरी सी बात हर बंदे की जरूरत है मेरा बेटा। नहीं मेरा बेटा, वर्द फाइड्रिल का ये पैटर्न नहीं है, पीटीबी की बात हो रही है और तमाम पंजाब बोर्ड्स की बात हो रही है। मेरा बेटा आपके पास एकेडमिक कैलेंडर गिवन है, नूर बच्चे उसको ज़रा अच्छे से पढ़ें और उसमें देखें कि सिलेबस कितने मंथ में कंप्लीट हो रहा है, और उसी के साथ टेस्ट सेशन कब हो रहा है, रिवीजन कब हो रही है। डेफिनेटली मेरा बेटा रोज क्लास होगी, कल क्लास क्यों नहीं होगी, कोई स्पेशल इवेंट है। चले मेरा बेटा मेरे ख्याल में अब जरा फिजिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। चले जरा देख ले मेरा बेटा, सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है मेरा बेटा वो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, चैप्टर का नाम मेरा बेटा
फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले तो मेरे बेटे, हमारे पास इस चैप्टर के नाम पे जाने से पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई और हमें और आपको इस बात का हुक्म दे दिया गया कि अल्लाह ताला की ज़ात कहती है मुझे पहचानो। और अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना, हर चीज़ के बारे में जानना, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, तो हर चीज़ के बारे में जानना अल्लाह ताला के बारे में जानना है। इन जनरल अगर मैं बात करूं, द नॉलेज ऑफ नेचर, द नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। कुदरत के बारे में जानने को हम साइंस का नाम देते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमारी बुक में कुछ और, इन जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली अगर हम डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ये खान साहब जो भी हैं मेरा बेटा, आप एक कमेंट अगर एक से ज़्यादा दफ़ा करोगे बच्चे, आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब मेरा बेटा, सबसे पहली बात, हमारे पास हम एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म करते हैं, हमारे पास दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी, हमारे पास दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। हम प्लांट ए को रखते हैं अंडर सनलाइट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इसको मैंने सूरज की रोशनी में रख दिया, और प्लांट बी विदाउट सनलाइट, इसको एक अंधेरे काल कोठड़ी में बंद कर दिया, कमरे में रख दिया जहां पे किसी किस्म की लाइट नहीं आ रही, या फिर आप ये कह सकते हो कि सनलाइट नहीं पहुंच रही। अब मेरा बेटा, जब आप बात करते हैं वो उस प्लांट की जो अंडर सनलाइट था, कुछ दिनों के बाद वो प्रॉपरली ग्रो कर गया, कुछ दिनों के बाद वो प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर गया, और ऐसा प्लांट जो कि सनलाइट की मौजूदगी में नहीं था, विदाउट सनलाइट था, वो कुछ दिनों के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तो यहां से हमें एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज मिला कि सनलाइट जरूरी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। हमें यहां से आपकी बुक पे लिखी हुई साइंस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरा बेटा, बुक में लिखा हुआ है द नॉलेज, बिल्कुल लास्ट लाइन में, द नॉलेज, वो नॉलेज जो हमें हासिल होता है, गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, हमें जो नॉलेज मिला उस नॉलेज को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा, इज कॉल्ड साइंस। हमने एक्सपेरिमेंट किया दो प्लांट्स के साथ और ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद हमें जो नॉलेज मिला, इस नॉलेज को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा, साइंस का। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस मेरा बेटा आपका एक लैटिन वर्ड, इंग्लिश वर्ड लफ्ज नहीं है, लातीनी जबान, लैटिन का वर्ड है, लैटिन वर्ड सेंटिया था एक्चुअली, सही वर्ड पूरा, सेंटिया का मतलब होता है मेरा बेटा नॉलेज,
लैटिन सेंडिया का मतलब होता है मेरा बेटा आपके पास नॉलेज, लैटिन सेंडिया का मतलब आपके पास मेरे बेटा होता है नॉलेज। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस इज अ लैटिन वर्ड विच राइट फ्रॉम सेंटिया विच मीन्स नॉलेज। जी ईमान बेटा बिल्कुल ऐसे। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। और हमारे पास मेरा बेटा ये जो नॉलेज, ये जो वर्ड सेंटिया साइंस है, ये लतीनी जुबान का लफ्ज है सेंडिया, जिससे डेराइव किया गया, जिसका मतलब मेरा बेटा नॉलेज है। अरे बार बेटा ने कहा कि रिपीट। जी मेरा बेटा रिपीट। जी लैटिन वर्ड सेंडिया जिसका मतलब होता है नॉलेज, उसी से मेरा बेटा हम इसको नाम देते हैं। मेरा बेटा प्लीज जब लेक्चर हो रहा हो तो आपका ध्यान सिर्फ लेक्चर पे होना चाहिए। बहन भाई जो आप दूसरे से रबते करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के एड्रेसेस पूछ रहे हैं, मेरा पुत्र इन बहन्स बहना का एड्रेस आप बाद में भी पूछ सकते हैं, और ये जो आप अपने भाई से बात करने के लिए तड़प रहे हैं, ये मेरा बेटा बाद में कर लीजिएगा। तो बहने और भाई मेरा बेटा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। वेन यू आर इन द क्लास रूम इट मीन्स यू आर इन द क्लास रूम। अबाजी के सामने मेरा बेटा इंतहाई तमीज़ से और इज्जत से हमेशा क्लास अटेंड करते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट डे, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए मेरा बेटा कि हंसी मजाक भी एक लिमिट में अच्छा लगता है। यू हैव टू फॉलो द ऑल द लिमिट्स ऑफ एथिक्स एक्चुअली। अगर आप उनको भूल जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल मेरा बेटा आप ज़िंदगी में कभी कुछ ग्रूम करेंगे। सो मेरे बेटे सारी चीज़ें हमें स्टडी के साथ साथ सीखनी भी हैं। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाना था, तो इंट्रोडक्शन आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया, और उसके बाद हमने अभी बुक से एक साइंस की डेफिनेशन भी, कुछ नॉलेज भी पढ़ लिया, उसके बाद पेपर पैटर्न भी हमने डिस्कस कर लिया। जी मेरा बेटा और रही बात जो ये मेरा बेटा आप इवन के शायद ऐसा ना होता कि पेड क्लासेस इतनी जल्दी आती, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो इधर उधर की आवाम जिस मेस क्रिएट करने के लिए आती है, सिर्फ उसकी वजह से ये पेड क्लासेस भी हुई। काबिशा बेटा मेरा बुद्धर हम लोगों ने पढ़ा के दो प्लांट थे, हमने एक तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक को सनलाइट में रखा और एक विदाउट सनलाइट। तो कुछ दिनों के बाद हमें अपने एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन मिली कि जो प्लांट सनलाइट में था वो प्रॉपरली ग्रो कर गया, जो विदाउट सनलाइट था वो डिके कर गया। इट मींस कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर ऑल दी या फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दी प्लांट्स। सर चैप्टर कौन सा है? माशाल्लाह मैं सदके जाऊँ निदा बेटा, मेरा बेटा मैं चैप्टर नंबर 25 पे पहुँच गया हूँ। चैप्टर नंबर 1 है मेरी बहना, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। मेरा बेटा कोशिश किया करें आप लोग जो डेली भंग पीते हैं वो क्लास में ना पिया करें, ड्यूरिंग द क्लास आपने होश में बैठा करना है। मैं मजाक भी करूँगा, मैं डांटूँगा भी, ये चीज़ें मैं आप लोगों को वेरी फर्स्ट डे मेरा बेटा बता रहा हूँ। तो आप लोगों को एथिक्स को फॉलो करना, अगर मेरे सामने एटलीस्ट आप लोगों को मेरे बेटे विद इन लिमिट्स रह के बात करनी होगी। सो अगर कोई क्वेश्चन करना होगा तो मेरा बेटा वो क्वेश्चन ज़रूर करें। सर ये बता दें कि आप सर की प्रोफाइल कहाँ से मिलेगी? मेरा बेटा वो आपको रेड कलर का साइन नज़र आ रहा है जो प्ले वाला साइन होता है, इसके ऊपर क्लिक करें मेरा पुत्र, तो राइट साइड पर आपको टीचर्स की प्रोफाइल नज़र आ जाएंगे। जी मेरा बेटा डेफिनेटली पूरा लेक्चर हो गया और एंड पे पता ही नहीं चला कि चैप्टर कौन सा चल रहा था। जी माशाल्लाह 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 हमारे पास 83 है।
रीबा बेटा पेपर पैटर्न भी डिस्कस हो गया, उसके बाद हाय ये पेड क्लासेस नहीं है हम ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन ये ट्रायल क्लासेस चलेंगी, उसके बाद आप लोगों का ये जो ट्रायल क्लासेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ पेड जिन लोगों ने फ़ी दी होगी वही क्लास का हिस्सा होंगे। इज इट क्लियर नाउ मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर अगर हम इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे तो फीस ज़्यादा नहीं होगी? नहीं मेरा बेटा, ये कौन सा आप लोगों ने पठान से इस्त्री ले ली है, बाइक ले ली कि आप इंस्टॉलमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, आपकी आसानी के लिए फीस को डिवाइड कर दिया गया। वालेकुम सलाम अहमद साहब। मेरा बेटा ये जो क्वेश्चन है ना कि कितने चैप्टर्स कवर होंगे, इसके लिए आपको देखना होगा अपना एकेडमिक कैलेंडर। मे बी रेज हो जाए यार, इस चीज़ का नहीं मैंने पता। जो लोग न्यू है मेरा बेटा वो फॉलोअप भी जरूर करें और लेक्चर का फीडबैक भी देना चाहिए मेरा बेटा। मेरा प्लांट तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम साइंस का नाम देते हैं। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन की फ्री क्लासेस से, तो फ्री क्लासेस से हमारे पास तूफान बदतमीजी आ गया, तो ये नॉलेज मिला कि अगर फ्री किसी भी कोई चीज़ दी जाए तो उसको कदर नहीं होती, तो ये नॉलेज भी मेरे पास मेरा बेटा साइंस है। मेरा बेटा निदा मूव प्लीज, जो है वो कल होगा। चलो भाई आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो, लेक्चर का फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा और डांट भी खाते रहें, लेकिन कुछ दिनों की बात है, 3 से 4 दिन मेरा बेटा, उसके बाद जो पेड स्टूडेंट होंगे वही क्लास का हिस्सा होंगे, बाकी लोग क्लास में नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे, जीते रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।